गुड मॉर्निंग। देखिए, आपका चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम नहीं, ये एक टॉपिक है, और इस टॉप ये टॉपिक है आपका ह्यूमन जेनेटिक्स। टॉपिक का नाम क्या बोलो? ह्यूमन जेनेटिक्स। हाँ, बोलते रहो ताकि मुझे लगे आप लोग जग रहे हो, नहीं पता लगे सो जाओ, मैं पढ़ाता ही हूँ, है ना। तो देखो, चैप्टर का नाम है ह्यूमन जेनेटिक्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो बोलो, इसको हिंदी में कहते हैं मानव आनुवंशिकी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मानव आनुवंशिकी कहते हैं। तो ये हो गया आपका। अच्छा, अब ये चीज़ होता क्या है, ये चीज़ समझना है, है ना। तो भाई, मानव आनुवंशिकी एक प्रकार का, ये क्या है, एक प्रकार की आनुवंशिकी की शाखा है, है ना। एक प्रकार की क्या है, जेनेटिक्स की ब्रांच है, ठीक, जो कि किससे संबंधित है, मानव से संबंधित है। क्लियर है ना, मानव से संबंधित है, अर्थात मानव में ठीक, वंशागत होने वाले विशेषकों या लक्षणों का, मानव में वंशागत होने वाले लक्षणों, ठीक, जिसको आप क्या बोल सकते हो, विशेषकों भी बोल सकते हो, विशेषकों। तो मानव में होने वाले लक्षणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मानव आनुवंशिकी कहलाता है, ठीक। अगर हम आपसे पूछ लें मानव आनुवंशिकी किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, मानव में वंशागत होने वाले लक्षणों का अध्ययन, है ना, अध्ययन करना ही या अध्ययन जो है मानव आनुवंशिकी कहलाता है। क्लियर है? अच्छा, चलो ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि मानव आनुवंशिकी के बारे में सबसे पहले किसने बताया या सबसे पहले किसने नींव डाली। क्लियर है ना। जैसे ओवरऑल अगर आनुवंशिकी की बात किया जाए तो भाई कौन थे, मेंडल साहब थे, है ना, कौन थे, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल थे। लेकिन अगर बात किया जाए मानव आनुवंशिकी की नींव डाली किसने डाली, तो सर्वप्रथम डाले थे, हाँ, सर्वप्रथम जो है फ्रांसिस गाल्टन ने डाली थी। सर्वप्रथम किसने, फ्रांसिस गाल्टन। तो मानव आनुवंशिकी की नींव सर्वप्रथम किसने डाली, फ्रांसिस गाल्टन ने कब, 1883, है ना, 1883 में मानव आनुवंशिकी की जो है सर्वप्रथम नींव डाली। क्लियर है, इन्होंने क्या किया था, तो सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन, इनको हाईलाइटेड करना, फ्रांसिस गाल्टन ने 1883 में क्या किया भाई, नींव डाली, हाँ, मानव आनुवंशिकी की नींव डाली, आनुवंशिकी की नींव डाली, मतलब इसके बारे में इन्होंने बताया, ठीक, पूरा प्रक्रिया क्या कैसे होता है। क्लियर है, तो इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम मानव आनुवंशिकी की नींव डाली। अगर पूछ लें सर्वप्रथम मानव आनुवंशिकी की नींव किसने डाली, फ्रांसिस गाल्टन ने, कब डाली थी बोलो, 1883 में, फ्रांसिस गाल्टन ने कब डाली थी, 1883 में। इसीलिए ध्यान देना, इसीलिए गाल्टन साहब को बोला जाता है मानव आनुवंशिकी का जनक बोला जाता है ना। अगर पूछ लिया जाए गाल्टन को क्या, या ऐसे पूछ लिया जाए आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं, तो बताओ, हाँ, आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, आनुवंशिकी हम केवल बात कर रहे हैं, आनुवंशिकी का जनक कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। लेकिन अगर पूछ लें मानव आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं, तो मानव आनुवंशिकी का जनक किसको कहा जाता है, फ्रांसिस गाल्टन साहब को बोला जाता है, ठीक, किसको बोला जाता है, फ्रांसिस गाल्टन जी को मानव आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, फ्रांसिस गाल्टन जी को मानव आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। बोलो, क्लियर है। तो मानव आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं, फ्रांसिस गाल्टन जी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो चलिए ठीक, इतना क्लियर, बीच में भाई थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो मानव आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं, फ्रांसिस गाल्टन जी को कहते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही क्या बताया, हाँ, मानव आनुवंशिकी की नींव डाली। क्लियर है, अच्छा चलो, तो चलो ठीक है, मानव आनुवंशिकी का इसमें हमें आनुवंशिक लक्षणों का
अध्ययन करना, जो कि मानव में क्या होते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अर्थात वंशागत जो हैं चलते रहते हैं। क्लियर है, उन सब का अध्ययन करना। चलो ठीक, इन सब का तो अध्ययन करना, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक बार देख लेते हैं मानव क्या है ना। सबसे पहले क्या देख लेते हैं, मानव क्या है, या कुछ देर देखो अभी यहाँ समझो, थोड़ी देर के लिए अगर हम बताएं कि मानव, अच्छा हटाओ, सीधा हम बात करते हैं मानव आनुवंशिकी की, ठीक, क्योंकि अभी इसकी बात कर लेते हैं, फिर अलग से हम बता देंगे मानव गुणसूत्र के बारे में क्या कैसे प्रक्रिया होती है। क्लियर, तो यहाँ पर ध्यान दो, ये मानव में जो है जनन क्षमता, ध्यान से समझना, जैसे क्या होता है, पौधा भी है और मानव भी है, ठीक, पौधों में भी संकरण वाली प्रक्रिया हुआ है ना, और मानव में भी क्या है, संकरण का प्रयोग करना, जैसे पौधे में और जंतुओं में संकरण की प्रोसेस कठिन थी, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कठिन थी, लोगों ने अध्ययन किया अलग अलग रूपों से, सेम उसी तरह से मानव में भी संकरण का प्रयोग करना, ठीक, संकरण का प्रयोग करना और जो आनुवंशिक लक्षण हैं उनके वंशागत का अध्ययन करना, इतना ये आसान कार्य भी नहीं है, है ना, मतलब कहीं ना कहीं कठिन कार्य है। अच्छा, इसका रीजन ध्यान दो, इसका रीजन है, यानी कि यहाँ हम सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि मानव में संकरण का प्रयोग करना या लक्षणों की वंशागत का अध्ययन करना। भाई अभी एक बार हम फिर से देखो, मानव आनुवंशिकी को ऐसे भी तो कह सकते हैं, मानव में है ना, मानव में संकरण का प्रयोग करना, संकरण का, मानव में संकरण का प्रयोग करना, ठीक, और लक्षणों का मतलब समझ रहे हैं, कौन से लक्षण का, आनुवंशिक लक्षणों का, और आनुवंशिक लक्षणों का, आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करना एक तरह से मानो आनुवंशिकी में ही तो आएगा भाई, मानव में संकरण का प्रयोग करना, हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया मन इसमें होती कि नहीं, या करना है ना, आनुवंशिक लक्षणों के वंशागत का अध्ययन करना, आनुवंशिक लक्षणों के वंशागत का अध्ययन करना, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं मानव आनुवंशिकी के ही अंदर आता है। तो ये क्या इतना आसान है, नहीं भाई, कोई भी ये इतना आसान भी नहीं, अर्थात कठिन काम है, ये क्या है, कठिन काम है। इसका रीजन क्या है, ये क्या है, एक कठिन प्रक्रिया है, एक टिपिकल प्रक्रिया है। क्लियर है, एक टिपिकल प्रक्रिया है ना, क्यों है, इसके कारण हैं। अब कौन कौन से कारण हैं, देखो पहला तो ये है कि जो मानव में जनन क्षमता होती है लगभग 20 से 25 वर्ष के लिए होती है। देखो यहाँ पर क्या है, हमने पहला तो कारण क्या है भाई, बोलो, पहला कारण है तुम्हारा जनन क्षमता, और जनन क्षमता की बात करें तो भाई जनन क्षमता जो होती है 20 से 25 वर्ष तक, नहीं तक के लिए, ध्यान देना, नहीं तो को पता लगे 25 के बाद शादी कर रहे हो, अब तुम क्या कर रहे हो, 20 से 25 वर्ष तक के लिए होती है ना, तक नहीं, ध्यान देना इस चीज को, के लिए होती है, और इस पीरियड में है ना, इस पीरियड में अध्ययन के लिए आवश्यक अधिक संतति नहीं की जा सकती, मतलब ध्यान से, जनन क्षमता क्या होती है 20 से 25 वर्ष तक होती है, और इस पीरियड में बहुत ज़्यादा संतान उत्पत्ति नहीं की जा सकती। अगर अध्ययन करना हो, जैसे एक होता है ना, जैसे अब वो किए थे मेंडल किए थे, मटर का पौधा लिए थे, तो पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन किए थे, क्या यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है, तो मर ही जाओगे है ना, अरे भाई कोई इंसान कहाँ तक रहेगा भाई, अपनी लाइफ साइकिल लाइफ स्पैन तक ही तो रहेगा। तो एक तो रीजन क्या है तुम्हारा, जनन क्षमता, अच्छा जनन क्षमता 20 से 25 वर्ष तक का मतलब समझ रहे हो,
जैसे जैसे मान लो किसी की शादी 20 साल पर हो गई, इधर सुनो ध्यान से, किसी की शादी 20 साल पर या 25 साल पर या 30 साल पर हो गई, तो उसके लगभग देखो 10-11 साल तक ही वो बच्चा पैदा करते हैं। क्या कभी सुने कोई 45 साल का हो गया है उसको लड़का पैदा हो रहा है, लड़की पैदा हो रही है? नहीं होता है ना। बहुत ज़्यादा 30, 35 या 40 तक जाता है, मतलब वो डिपेंड करता है आपकी शादी कब होगी। भाई अब आपकी शादी 30 साल पर हो तो 30 के बाद ही तो लड़का पैदा करोगे, इसके पहले तो पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर है? ये चीज़ होता है। तो 20 से 25 हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जो मनुष्य में जो सेक्सुअल होती है, क्षमता होती है, वो कितना होते हैं? 20 से 25 होता तो बहुत है, लेकिन एक जो है लीगली जो होता है वो 20 से 25 होता है। क्लियर है? दादा हो जाओगे तब भी भाई एक कोने बैठे रहोगे, है ना, ये चीज़ हो जाए। अच्छा, ये क्लियर है आपका, पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है कि मानव में दो भिन्न परिवार से जोड़े बनते हैं, है ना। यहाँ क्या है, दो भिन्न परिवार, हमने ये नाम दे दिया दूसरे लक्षण का, दो भिन्न परिवार। तो मानव जो मानव में दो भिन्न परिवार से जोड़े बनते हैं। दो भिन्न परिवार से जोड़े का मतलब, जैसे हाँ यहाँ फैजाबाद की लड़की, लखनऊ का लड़का, है ना भाई। दो भिन्न परिवार से अलग अलग थोड़ी कि एक ही परिवार से बन जाते हैं भाई बहन आपस में एकदम नेक्स्ट लेवल, नहीं ऐसा तो नहीं होता है ना। तो दो भिन्न परिवार से जोड़े बनते हैं, और इससे क्या होता है, लक्षणों में बहुत ज़्यादा मिक्सर पाया जाता है, मिश्रण पाया जाता है। कभी होता है कि बच्चे के अंदर नाना का गुण आ रहा है, बच्चे के अंदर दादा का गुण आ रहा है, कई सारी चीज़ें होती हैं ना। तो दो भिन्न परिवार होने की वजह से क्या होता है, इसमें जो आनुवंशिक लक्षणों में है अत्यधिक बहुत ज़्यादा मिश्रण पाया जाता है। क्लियर? तो दूसरा रीजन क्या हो गया, दो भिन्न परिवार, और जिससे क्या होता है लक्षणों में अत्यधिक मिश्रण पाया जाना, लक्षणों में आनुवंशिक लक्षणों में अत्यधिक मिश्रण पाया जाना, मतलब जो क्लियर है, ये चीज़ होता है, दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन जो होता है, मानव में जो लक्षण होते हैं एकल जीन जोड़े द्वारा कम निर्धारित होते हैं। लक्षण हमेशा एकल जीन जोड़े द्वारा ज़्यादा नहीं बल्कि दुई जीन, एकल जीन जोड़े द्वारा, है ना, लक्षण क्या होते हैं, कम निर्धारित होना, ये एकल जीन जोड़े द्वारा, अर्थात जो लक्षण होते हैं दोनों जोड़े के द्वारा होता है। मतलब आप देखे होंगे ना, जैसे कोई लड़का है, कुछ लक्षण पापा का है, कुछ लक्षण मम्मी का है, और जीन हमेशा कैसे होता है, पैर में होता है। तो एकल जीन जोड़े द्वारा लक्षण कम निर्धारित होते हैं। और क्या है कि मानव में 46 गुणसूत्र हैं। मानव कितने गुणसूत्र हैं? 46 गुणसूत्र हैं, और इन 46 गुणसूत्रों का अध्ययन करना क्या है, कठिन काम है भाई, है ना। 46 गुणसूत्र हैं और इनका अध्ययन करना, इस पर काम करना कठिन काम है, क्योंकि एक एक गुणसूत्र पूरा इसकी कहानी चलती है। क्लियर है? इसके बाद और देखो और क्या रीजन है, और एक ये है कि मनुष्य पर पर्यावरण का भी डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, है ना, पर्यावरण का प्रभाव पड़ना। मतलब जैसा आपके यहाँ एटमॉस्फेयर रहेगा, अगर एक बच्चों का एटमॉस्फेयर बचपन से जिस माहौल में, जिस एटमॉस्फेयर में, जिस पर्यावरण में रह रहा है, उसके दिमाग में भाई उसी तरह की चीज़ें आएंगी। क्लियर है? जो जैसा रहेगा वैसे, तो पर्यावरण का प्रभाव इस पर प्रत्यक्ष डायरेक्ट पड़ता है, इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्ट पड़ता है। क्लियर है? तो इसलिए क्या है, लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना मानव में थोड़ा क्या हो जाता है, आदि लगा दो, कठिन हो जाता है। और इसके लिए क्या किया गया है, यानी कि कठिन प्रक्रिया तो है ही, ठीक, तो इसमें कुछ अलग अलग विधि का प्रयोग किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो हमारा मेन पॉइंट है आपका, वो है कि मनुष्य में वंशागति के अध्ययन करने के लिए कुछ विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। क्लियर है? और ये किसने कहा था, तो इसको हम सीधा लिखते हैं, वाल्टन के अनुसार, क्योंकि वाल्टन ही थे इस पर न्यू डालने वाले, तो वाल्टन के अनुसार, अरे सॉरी यार, सॉरी
गाल्टन के अनुसार। अब गाल्टन ने क्या कहा, देखो गाल्टन के अनुसार मानव में आनुवंशिक लक्षणों के अध्ययन की कई विधियां हैं। गाल्टन के अनुसार मानव में आनुवंशिक लक्षणों की कई विधियां, गाल्टन के अनुसार मानव में आनुवंशिक लक्षणों की कई विधियां हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी विधियां हैं जिनको गाल्टन ने बताया था। गाल्टन के अनुसार कौन कौन सी विधियां हैं, तो पहली विधि है वंशावली विश्लेषण, है ना। पहली विधि क्या है, वंशावली विश्लेषण, यानी कि वंश के आधार पर, है ना, वंशावली विश्लेषण, ठीक। और दूसरी विधि क्या है, चलो पहला विधि हो गया तुम्हारा वंशावली विश्लेषण, और दूसरी विधि है समस्त आनुवंशिकी पॉपुलेशन जेनेटिक्स, है ना, जनसंख्या आनुवंशिकी। दूसरी विधि क्या है, समष्टि आनुवंशिकी, ठीक। और तीसरी विधियां क्या हैं, वो हैं क्या हैं, जुड़वा अध्ययन, स्टडी ऑफ ट्विन्स, जुड़वा अध्ययन, स्टडी ऑफ ट्विन्स हैं। तो ये तीन विधियां हैं, और ये किन के अनुसार हैं बताओ, गाल्टन के अनुसार, क्लियर। अब देखते हैं पहला विधि में इनके अनुसार भाई क्या बात कही गई है, क्लियर है। तो जो पहली विधि है वो है वंशावली विश्लेषण, पहली विधि क्या है, वंशावली विश्लेषण। और देखिए इसमें देखो, ये जो है एक ऐसा चार्ट होता है वंशावली विश्लेषण, पहला नंबर तो समझो ये चार्ट होता है, ये क्या होता है, चार्ट होता है, और ऐसा चार्ट होता है जिसमें, है ना, आनुवंशिक लक्षणों की आनुवंशिकता का चित्रण किया जाता है। मतलब इसके लिए हम सीधा बोल सकते हैं एक वंशावली चार्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वंशावली चार्ट का प्रयोग करते हैं, वंशावली विश्लेषण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वंशावली चार्ट का प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न आता है वंशावली चार्ट होता क्या है, भाई नाम से क्लियर है, वंशावली चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें आनुवंशिक लक्षण जो कि वंशागत रूप से, है ना, वंशागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं, है ना, उनकी आनुवंशिकता का क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है, क्लियर है। मतलब ये क्या है, वंशावली चार्ट क्या है, तो ये ऐसा चार्ट है, है ना, हाँ, जिसमें वंशागत लक्षणों की आनुवंशिकता का चित्रण किया जाता है, ठीक, जिसमें वंशागत लक्षणों का आनुवंशिक चित्रण करते हैं, एक मिनट भाई, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है भाई, आनुवंशिक चित्रण, काश मेरा हाथ मशीन होता, है ना, और मैं तेज लिखता, आनुवंशिक चित्रण करते हैं, क्लियर है भाई। तो ऐसा चार्ट जिसमें क्या करते हैं, वंशागत लक्षणों का आनुवंशिक चित्रण, क्या लिख दिया, जिसमें वंशागत लक्षणों के आनुवंशिकता, ठीक, का चित्रण करते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो यार, ऐसा चार्ट जिसमें वंशागत लक्षणों के आनुवंशिकता का चित्रण करते हैं वो क्या कहलाता है, वंशावली चार्ट कहलाता है, क्लियर है इतना। चलिए तो ये भाई, तो वंशावली विश्लेषण में किसका प्रयोग करते हैं, वंशावली चार्ट का प्रयोग करते हैं, और वंशावली चार्ट क्या होता है, ऐसा चार्ट जिसमें हम आनुवंशिक लक्षणों की आनुवंशिकता का क्या करते हैं, अध्ययन, वही आनुवंशिकता के आनुवंशिकता का चित्रण करते हैं, ठीक है, अच्छा ये चीज़ होता है। अब दूसरा नंबर, ये जो है यानी कि ये चार्ट किसी जीव के लिए भी निर्मित किया जा सकता है, किसी पीढ़ी दर पीढ़ी वाले जीव के लिए भी बनाया जा सकता है। अब होता क्या, इस चार्ट की सहायता से हम करते क्या हैं, तो ध्यान देना, इस चार्ट की सहायता से तो इस चार्ट की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी संतत में, है ना,
किसी विशेषक यानी कि विशेष लक्षणों की उपस्थिति है या नहीं इसकी संभावना को बताया जा सकता है। नहीं समझे? इस चार्ट की सहायता से, अब देखो मेन बात जो लिखने जा रहे हैं, मेन ही चार्ट बात है, इस चार्ट की सहायता से किसी विशेषक, विशेषक मतलब समझते हैं जो लक्षण है, विशेषक हम ब्रैकेट में क्या लिख दे रहे हैं, लक्षण, ठीक, किसी विशेषक की उपस्थिति, किसी विशेषक की उपस्थिति संतानों में है या नहीं, किसी विशेषक की उपस्थिति संतानों में है या नहीं, इस बात की संभावना पता किया जा सकता है, है ना। इस विषय मतलब इस चार्ट की सहायता से किसी विशेषक या लक्षण की उपस्थिति संतानों में है या नहीं इस बात, है ना, को ज्ञात कर सकते हैं, इस बात को पता लगा सकते हैं, यही इसका मेन होता है आपका, ज्ञात कर सकते हैं, मतलब हम ये बता सकते हैं ये विशेषक ये लक्षण संतानों में आया या नहीं। और ये पूरा का पूरा प्रक्रिया, ये पूरा का पूरा प्रक्रिया, है ना, इस तरह से मतलब किसी जीव का किसी जातियों में उनके आनुवंशिक लक्षण की उपस्थिति आई या नहीं आई, ये पूरा विश्लेषण जो कि वंशागत से रिलेटेड है ये कहलाता है वंशावली विश्लेषण। ऐसा विश्लेषण, समझ पा रहे हैं ना, ऐसा विश्लेषण, है ना, जो कि फाइनली कहीं ना कहीं वंशागत लक्षणों से रिलेटेड है, है ना, क्या कहलाता है, वंशागत। आप आगे कह सकती हैं ये संपूर्ण विश्लेषण, ये संपूर्ण प्रक्रिया, है ना, क्या कहलाता है, वंशावली विश्लेषण कहलाता है, है ना। अच्छा, वंशावली विश्लेषण में क्या बात कही गई है ये भी तो समझना है ना। तो वंशावली विश्लेषण में ये कही गई है कि जो लक्षणों की आनुवंशिकता है ना वो मेंडल के सिद्धांत के आधार पर होती है। तो जो मेन बात है वंशावली विश्लेषण के अनुसार, हम यहां लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, वंशावली विश्लेषण के अनुसार, विश्लेषण के अनुसार इसमें क्या क्या कही गई है। तो पहली बात यह कही गई है कि जो लक्षणों की आनुवंशिकता होती है वो किसके आधार पर होती है, मेंडल के सिद्धांत। आप भी समझ में आए मेंडल को ओवरऑल आनुवंशिकी का जनक क्यों कहा गया, बताओ, गाल्टन साहब भी इसी का मेंडल से रिलेट कर दिए, देख लो। तो ये पहला है आपका, लक्षणों की आनुवंशिकता, आनुवंशिकता का मतलब लक्षणों का जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलना, है ना, वंशागत रूप से चलना, ये किसके आधार पर होता है, मेंडल के सिद्धांत के आधार पर होता है। बोलो, क्लियर है, पहला पॉइंट याद हुआ, क्लियर है ना, लक्षणों की आनुवंशिकता मेंडल के सिद्धांत के आधार पर होता है। दूसरा है, गुणसूत्र में सहलग्नता और जीन विनिमय होता है, है ना। पहला तो ये है कि लक्षणों की आनुवंशिकता मेंडल के सिद्धांत के आधार पर, और दूसरा क्या है, गुणसूत्रों में, मतलब गुणसूत्र सदैव साथ साथ बने रहते हैं, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, सहलग्नता। तो गुणसूत्रों में सहलग्नता व जीन विनिमय, मतलब पारगमन जिसको कह सकते हैं, क्लियर, सहलग्नता व जीन विनिमय, जीन एक्सचेंज या क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय होता है, ये गुणसूत्र में ही होता है, क्लियर है। और तीसरा जो होता है ना वो होता है प्रायिकता, तीसरा जो होता है वो क्या होता है, बोलो, वो होता है आपका प्रायिकता, प्रायिकता का सिद्धांत, और परिवर्तन के अवसर पर ध्यान दिया जाता है, प्रायिकता के सिद्धांत, है ना, और कोई जो परिवर्तन हो रहे हैं व परिवर्तन के अवसर, परिवर्तन के अवसरों पर ध्यान दिया जाता है, अवसरों का ध्यान दिया जाता है इसमें, मतलब कहाँ क्या, प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी,
जो संभावना होती ना, प्रोबेबिलिटी, कोई चीज़ आने की संभावना क्या चीज़ है क्या नहीं, तो प्रायिकता के सिद्धांत और परिवर्तन के अवसरों का जो है ध्यान दिया जाता है इसमें। और क्या बात है ना, और क्या बात है, कई सारी चीज़ों को यानी कि विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस को सामने रखते हुए, इन चीज़ को ध्यान देते हुए जो बेफिजूल है उनको हटाया भी जाता है ना, मतलब विभिन्न विकल्पों का ध्यान देकर उन्हें हटाया जाता है, उन्हें हटाया किन्हें हटाया जाता है ना भाई, यही जो चीज़ हमारे लिए सूटेबल नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अब बार बार हम चार्ट की बात कर रहे हैं भाई, बार बार क्या बात किया जा रहा है, चार्ट की बात किया जा रहा है। आइए फिर चार्ट भी दिखा देते हैं, वैसे आने वाला समझ में कुछ नहीं, चार्ट में आपको दिखा दे रहा हूँ। क्लियर? अच्छा, एक लास्ट पॉइंट इन्हें तो लिख लेना, विभिन्न विभिन्न विकल्पों का ध्यान देकर उन्हें जो है हटाया जाता है, उन्हें हटाया जाता है। क्लियर है? तो यही आपका, अगर कोई पूछ ले कि वंशावली विश्लेषण क्या है, तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि वंशावली विश्लेषण के अनुसार लक्षणों की आनुवंशिकता मेंडल के सिद्धांत के आधार पर होता है, गुणसूत्र में सहलग्नता और जो जीन विनिमय होता है ना, ये दूसरा हो गया, और तीसरा क्या होता है, प्रायिकता के सिद्धांत या परिवर्तन के अवसरों का ध्यान दिया जाता है, और चौथा विभिन्न विकल्पों का ध्यान जो है देकर उन्हें हटाया जाता है। यही जो है विश्लेषण, वंशावली विश्लेषण में मुख्य रूप से होता है। क्लियर है ना? अब यहाँ पर कुछ संकेत होते हैं, जैसे कि देखिए ये चीज़ है, देखिए यहाँ पर ये चीज़ है, यही वंशावली चार्ट है ना, इसमें क्या होता है, ऐसा बनाओगे तो नर होता है, क्लियर, और ऐसा बनाओगे तो मादा होता है, ठीक, इस तरह से, तो ये अनिर्धारित लिंग है, लेकिन इस तरह से कर दिए तो गोद लिया हुआ कोई पुत्र है ना, ऐसे कर दिए तो गर्भधारण है, ठीक, ऐसे है तो मृत, ये प्रभावित, ये वाहक, ये एक्स सहलग्न के लिए वाहक। क्लियर? हमने क्या बोला था भाई, समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले कुछ सामान्य चिन्हों को यहाँ दिया गया है, इन सारे चिन्हों का, जैसे वंशावली जब विश्लेषण होता है तो ऐसे चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अगर नर है तो नर के लिए नर नहीं लिखा जाता, ऐसे स्क्वायर बना दिया जाता है, वर्ग, मादा के लिए ऐसे गोला बना दिया जाता है। क्लियर है? तो अभी ये चिन्ह नहीं समझ में आएगा, हटाओ। क्लियर? ये बताओ वंशावली विश्लेषण समझ में आया ना, ठीक, उसे तो पहला था आपका वंशावली विश्लेषण। अच्छा, जैसे ऐसे दिया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा दिमाग लगाओ आप, ये मादा है कि नर है, मादा है, ये क्या है, नर है, क्रॉसिंग ओवर होने से मादा नर, नर, तो ये चीजें अभी थोड़ा चीज ये नहीं समझ में आएगी। जैसे यहां दिया गया, मनुष्य में लिंग सहलग्न गुण यदि हैं तो अप्रभावी लक्षण पुरुषों में प्रकट होते हैं, किंतु स्त्रियों में सामान्यतः वाहक अवस्था में होते हैं, तो भी ये चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है बेटा, फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल एकदम ऊपर से जाएगा, इसलिए अभी उसको हटा दो। क्लियर है? अभी ये समझो कि वंशावली विश्लेषण तो क्लियर है ना, हाँ थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत अभी आप मेहनत करें। अच्छा, पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या था, दूसरा क्या है, समशिष्ट नहीं, समष्टि आनुवंशिकी है ना, दूसरा क्या आपका, समष्टि आनुवंशिकी, अब इसको बताते हैं, ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा क्या आपका, दूसरा क्या है भाई, समष्टि आनुवंशिकी है, इधर हेलो, समष्टि आनुवंशिकी है, ठीक, तो समष्टि आनुवंशिकी पॉपुलेशन जेनेटिक्स, समष्टि एक्चुअली जनसंख्या को कहते हैं, तो यहाँ पर कोई भी जनसंख्या होगी या कोई भी समष्टि होगी, ये बताओ उसमें विभिन्न प्रकार के विशेषक होते हैं, विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं, उन सबके वितरण का अगर पूछे समष्ट आनुवंशिकी क्या है ना, देखिए यहाँ समष्ट आनुवंशिकी क्या होता है, तो कोई भी समष्टि होगी, समष्टि का मतलब एक तरह से इसको देखो, इसको इंग्लिश में कहते हैं ना पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, अब पॉपुलेशन भाई किसी की भी पॉपुलेशन हो सकती है, इंसान, जानवर, पौधे, किसी की, तो देखो यहाँ किसी भी समष्टि में, यहाँ हम समष्टि बोलेंगे जनसंख्या नहीं, ध्यान देना,
किसी भी समष्टि में विभिन्न प्रकार के, ये बताओ विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक लक्षण होते हैं कि नहीं? हाँ। तो विभिन्न प्रकार के है ना, विभिन्न प्रकार के विशेषकों यानी कि आनुवंशिक लक्षण और उनका वितरण होता है, तो विभिन्न प्रकार के विशेषकों के वितरण का अध्ययन करना, मतलब विभिन्न प्रकार के विशेषक किस तरह से, विभिन्न आनुवंशिक लक्षण किस तरह से उनकी संतानों में वितरित हो रहे हैं, बंट रहे हैं, है ना, के वितरण का अध्ययन करना क्या कहलाता है? समष्टि आनुवंशिकी, आगे आप ऐड कर लेना। समष्टि आनुवंशिकी किसे कहते हैं? तो किसी भी समष्टि में विभिन्न प्रकार के विशेषकों के वितरण का अध्ययन करना समष्टि आनुवंशिकी कहलाता है। इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के प्रायिकता सिद्धांत और सांख्यिकी गणनाओं का उपयोग होता है। हाँ, इसमें ठीक विभिन्न प्रकार के प्रायिकता सिद्धांत, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी थ्योरी है ना, प्रायिकता सिद्धांत व सांख्यिकी गणनाओं का प्रयोग होता है, सांख्यिकीय गणनाओं का प्रयोग होता है, गणनाओं का प्रयोग होता है। तो अगर पूछ लिया जाए इसमें किसका प्रयोग होता है, किस तरह से किया जाता है, तो विभिन्न प्रकार के प्रायिकता का सहारा लिया जाता है और सांख्यिकीय गणनाओं का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकीय गणनाओं का प्रयोग करने का मतलब यहाँ पर एक समीकरण आता है, यहाँ पर एक समीकरण प्रयोग किया जाता है और उसका नाम है हार्डी बीनबर्ग समीकरण। ठीक, यहाँ एक समीकरण प्रयोग किया जाता है, हार्डी बीनबर्ग समीकरण, और हार्डी बीनबर्ग समीकरण कहता है, क्या कहता है, वो ये कहता है कि पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन, क्लियर है, ये कहता है, क्लियर है। और एक्चुअली ये कहाँ से आया, ये है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ कंडीशन है, यदि P प्लस क्यू बराबर वन हो तभी तो ये फॉलो होगा, तो कंडीशन याद रखना, क्लियर। जहां पर P फॉर प्रभावी लक्षण, यही है सांख्यिकी गणना, P क्या है प्रभावी लक्षण है और Q क्या है अप्रभावी लक्षण, Q क्या है अप्रभावी लक्षण है ना, और ये केवल समयुग्मजी अवस्था में प्रदर्शित होता है ना, ये कब प्रदर्शित होता है, समयुग्मजी, जब एक होमो जाइगस के फॉर्म में, ये केवल समयुग्मजी अवस्था में प्रयोग होता है, अवस्था में प्रयोग होता है। बोलो इतना क्लियर है, ये हुआ आपका। और तीसरा होता है भाई, क्या होता है, जुड़वा अध्ययन, क्लियर है, हाँ। तीसरा होता है आपका, वो क्या होता है, जुड़वा अध्ययन होता है। हमें पता वीडियो लॉन्ग हो गई है, आप लोग पक रहे हो, ठीक है, परेशान ना हो, पको है ना, तभी तो मीठे होगे। तो जुड़वा अध्ययन, अब ये पहले समझो, ये जुड़वा होते क्या है, ऐसे दो बच्चे जो एक ही माता है ना, ऐसे जुड़वा मतलब दो, ऐसे दो शिशु, क्लियर, जो एक ही माता से पैदा हुए, एक ही माता, ठीक, हाँ, एक ही माता से जन्मे हों, एक ही माता से जन्मे हों, एक ही साथ, ये कंडीशन जरूर लगा देना, हाँ, नहीं तो कहो हम भी तो अपने माता से जन्मे हैं, लेकिन वो आगे पीछे तो हम जुड़वा नहीं, एक ही साथ, क्लियर, ये क्या कहलाते हैं, जुड़वा कहलाते हैं। और ये जुड़वा को यमज कहते हैं, है ना, इनको आप यमज अध्ययन भी कहते हैं। ये तीन तरह का होता है, क्लियर है, ये कितने तरह का होता है, तीन प्रकार के
यमज होते हैं। हाँ ध्यान दो, जुड़वा तीन तरह के होते हैं। पहला क्या है? हाँ पहला क्या है? समान या एक युग्मनजी जुड़वा। समान जिसको क्या कहते हैं? एक युग्मनजी जुड़वा भी कहते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। और दूसरा होता है क्या? असमान या जो है द्वि युग्म युग्मनजी, द्वि युग्मनजी जुड़वा। और तीसरा क्या होता है बोलो भाई? सो रहे हो क्या? सियामीज जुड़वा। आप कौन से जुड़वा हो बताओ? अको नहीं है। अको नहीं हो? अरे पता कर लो, एक तो होगी है ना। ये तीन तरह का होता है। अब भाई आपको ये अगर पता करना है हम कौन से जुड़वा हैं, तो इसके बाद वाली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, समझ में आया? हाँ तो चलिए फिर। और भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्लियर? थैंक यू।